स्वागत है सभी का मैथ्स क्लासेस रैला में। और आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 से जो पार्ट है, पहला पार्ट है सामाजिक विज्ञान का स्वर्णिम भारत प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक, इसका हम अध्ययन करेंगे। इसमें आज हमारा जो पहला टॉपिक है महाजनपद काल, इसमें हम स्टार्ट करते हैं 600 से 325 ईस्वी पूर्व। ये ईस्वी पूर्व है, ईस्वी नहीं है। जैसे हम संख्या रेखा पर देखें, हमारे जो गणित में आती है उसमें यहाँ जीरो होता है, इसके बाद इधर जो रहता है प्लस का और इधर माइनस का। तो इसमें क्या होता है कि जब बढ़ती है तो पूरी इधर जाती है। तो ये अभी जो बता रखा है 600 ईस्वी पूर्व, 600 और ये जो भी है ये माइनस में है। अभी धीरे धीरे यहाँ पर जीरो पर फिर इधर प्लस में चलेगी, वो ईस्वी होगी और ये ईस्वी पूर्व है, ठीक है। 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में भारत, उत्तर भारत में अनेक विस्तृत और शक्तिशाली स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हुई जिन्हें महाजनपदों की संज्ञा दी गई। बौद्ध ग्रंथ अंग उत्तर निकाय के अनुसार उस समय 16 महाजनपद थे। और एक और ग्रंथ है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, उसमें भी ये बताया गया है और महाजनपद और उसकी राजधानियाँ याद दी गई हैं। तो काशी जो महाजनपद था उसकी राजधानी थी वाराणसी, और वर्तमान में वाराणसी को क्या कहते हैं, बनारस। फिर है कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ, अंग की राजधानी थी चंपा, और मगध की राजधानी थी गिरिव्रज या राजगिरी है। वज्जी की राजधानी थी विदेह और मिथिला। मल्ल की राजधानी थी कुशावती या कुशीनारा। इसकी ट्रिक भी दे रखी है, मैंने पहले एक वीडियो बना रखा है उसमें ट्रिक दी है, सारे याद हो जाएंगे आपको, तो डिस्क्रिप्शन में जाकर वो ट्रिक देख लें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। फिर है चेदी की शक्तिमती या सोथीवती, शक्तिमती है चेदी की राजधानी। वत्स की है कौसाम्बी, और कौशल की राजधानी थी अयोध्या। लेकिन बुद्ध काल में इसकी दो भाग थे और दो राजधानियां थी, उत्तरी भाग की जो राजधानी थी वो थी साकेत और दक्षिणी भाग की राजधानी थी वो श्रावस्ती। तो कौशल की राजधानी थी अयोध्या और बुद्ध काल में साकेत और श्रावस्ती। फिर है पांचाल की राजधानी में, उत्तरी पांचाल की राजधानी तो थी अहिछत्रपुर और दक्षिणी पांचाल की राजधानी थी कांपिल्य, अहिछत्र और कांपिल्य। फिर है मत्स्य की राजधानी थी विराटनगर, और विराटनगर को वर्तमान में विराट कहते हैं। फिर है सूरसेन की राजधानी थी मथुरा या मेथुरा या सूरसेनोई। और अस्मक की राजधानी थी पोतन या पाटली, ये दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र जनपद था। अस्मक, अशक नहीं है, ये अस्मक है, पोतनिया पाटिली। फिर है अवंती की राजधानी में भी उत्तरी और दक्षिणी, तो उत्तरी अवंती की राजधानी तो थी उज्जैनी और दक्षिणी अवंती की राजधानी थी महिष्मती। तो अवंती की राजधानी उज्जैनी और महिष्मती। फिर है गांधार की राजधानी थी तक्षशिला, और कंबोज की राजधानी थी राजपुरिया हाटक, कंबोज की राजधानी राजपुरिया हाटक। अब ये जो 16 महाजनपद थे ये दो प्रकार के राज्य आते थे इनमें, राजतंत्र और गणतंत्र। कौशल, वत्स, अवंती, मगध उस समय सर्वाधिक शक्तिशाली राजतंत्र थे। 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में अनेक गणतंत्रों का भी अस्तित्व आया, इनमें थे कपिलवस्तु के शाक्य, सुषुम्नागिरी के बाग, अलकप के बुली, केशपूत के कालाम, रामग्राम के कोलिये, कुशीनारा के मल्ल, पावा के मल्ल, पिपली वन के मौर्य, वैशाली के लिच्छवी और मिथिला के विदेह। इन्हें आप एक सीरीज बनाकर जो है लिख ले तो आपको याद करने में आसानी हो जाएगी। फिर है राजस्थान के प्रमुख महाजनपद, है उनका अध्ययन करें। तो वैदिक सभ्यता के विकास क्रम में राजस्थान में भी जनपदों का उदय देखने को मिलता है। यूनानी आक्रमण के कारण पंजाब की मालव, सीवी, अर्जुनायन आदि जातियां जो अपने साहस और शौर्य के लिए प्रसिद्ध थी राजस्थान में आई और यहीं पर निवास करने लगी। इस प्रकार राजस्थान के पूर्वी भाग में जनपदीय शासन व्यवस्था का सूत्रपात हुआ। ये प्रमुख जो जनपद थे इसमें जांगल, वर्तमान बीकानेर और जोधपुर के क्षेत्र हैं। महाभारत काल में जंगल देश कहलाते थे, बीकानेर और जोधपुर जंगल।
इसका नाम कुरु जांगला या मादराई जांगला भी मिलता है। जनपद की राजधानी थी अहिच्छत्रपुर और अहिच्छत्रपुर को वर्तमान में नागौर कहते हैं। बीकानेर के राजा इसी जांगल देश के स्वामी होने के कारण स्वयं को जांगलधर नरेश या जांगलधर बादशाह कहते थे। बीकानेर राज्य के राजचिन्ह में भी जय जालंधर बादशाह लिखा मिलता है। इसके बाद जो है मत्स्य जो महाजनपद है ये वर्तमान में जयपुर के आसपास का क्षेत्र है। जयपुर इसका विस्तार चंबल नदी के पास पहाड़ियों से निकलकर सरस्वती नदी के जंगल क्षेत्र तक था। आधुनिक अलवर और भरतपुर के कुछ भाग इसके अंतर्गत आते हैं। अलवर और भरतपुर के कुछ भाग आते हैं और मुख्यतः जयपुर में है। इसकी राजधानी विराटनगर थी। मच्छी की राजधानी विराटनगर और इसे वर्तमान में बेराट कहते हैं। विराटनगर को बेराट कहा जाता है। मौर्य शासक बिंदुसार से पहले मत्स्य जनपद की स्पष्ट जानकारी का अभाव है। अर्थात जो भी इसके अवशेष मिले हैं या फिर जो भी जानकारी मिली है वो बिंदुसार के बाद में ही मिली है, इससे पहले नहीं थी। महाभारत में कहा गया है कि साज नामक राजा ने चेदी और मत्स्य दोनों राज्यों पर शासन किया था। मत्स्य प्रारंभ में चेदी राज्य का और बाद में यह विशाल मगध साम्राज्य का अंग बन गया। पहले तो मत्स्य का ये अंग था, ये चेदी राज्य का अंग था, फिर मगध साम्राज्य का बन गया। फिर है सूरसेन, तीसरा राजस्थान का जो है महाजनपद वो है सूरसेन। आधुनिक ब्रज क्षेत्र इस महाजनपद में स्थित था। इसकी राजधानी मथुरा थी जिसे मैथोरा या सूरसेनोई कहते हैं। प्राचीन यूनानी लेखक इसे सूरसेनोई या राजधानी को मैथुरा कहते हैं। महाभारत के अनुसार यहाँ यदुवंश का शासन था। भरतपुर धौलपुर तथा करौली जिलों के अधिकांश भाग सूरसेन जनपद के अंतर्गत आते थे। अलवर जिले का पूर्वी भाग भी सूरसेन के अंतर्गत आता था। वासुदेव के पुत्र श्री कृष्ण का संबंध इसी जनपद से था, सूरसेन। फिर है सीवी जो जनपद है इसका देखते हैं, अध्ययन करते हैं। सीवी जनपद की राजधानी थी शिवपुर या फिर नगरी। चित्तौड़ के पास में स्थित है नगरी या फिर शिवपुर इसकी राजधानी थी। राजा सुसीन ने अन्य जातियों के साथ 10 राजाओं के युद्ध में पराजित किया था। प्राचीन शिवपुर की पहचान वर्तमान पाकिस्तान के सोरकोट नामक स्थान से की जाती है। कालांतर में दक्षिण पंजाब की यह सीवी जाति राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में निवास करने लगी। पहले जो ये सीवी जाति के कारण वो प्रसिद्ध क्षेत्र था सीवी, इसकी राजधानी क्या थी, शिवपुर थी। लेकिन ये जो शिवपुर है ये पाकिस्तान में जो है सोरकोट स्थान। और फिर क्या है कि ये जाति राजस्थान में आकर रहने लगी। तो राजस्थान में क्या कि चित्तौड़ की जो एक तहसील है नगरी, उसमें फिर ये मतलब रहने लगी। तो फिर इसकी राजधानी क्या हो गई थी, नगरी। पहले क्या थी, शिवपुर। मेवाड़ के अनेक स्थानों से शिवियों के सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। मंदसौर के पास 5 गुहालेख प्राप्त हुए जिनसे शिवी जनपद का प्रसार पश्चिम से लेकर दक्षिण पूर्व तक होना ज्ञात होता है। मंदसौर मध्य प्रदेश में है और चित्तौड़गढ़ राजस्थान में है। तो इसकी जो नगरी जो राजधानी थी वो चित्तौड़ में और शिवपुर ये पाकिस्तान में। तो ये था आज का हमारा पॉइंट और कक्षा 10 का पहला जो पार्ट है सामाजिक विज्ञान का वो। फिर अगले भाग में हम आगे फिर अध्ययन करेंगे।